साथियों नमस्कार। साथियों, किचन में इंस्टेंट गीजर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। यह इंस्टेंट गीजर लाइट से चलता है और तुरंत ही पानी गर्म कर देने लगता है। इसमें दो ऑप्शंस दिए होते हैं, एक ठंडे पानी का और एक गर्म पानी का। ठंडे पानी के लिए हमें इधर की तरफ नॉक को करना पड़ता है तो कुछ इस तरह कॉक से पानी आने लगता है, बिल्कुल हल्की धार के साथ आता है, इससे ज़्यादा पानी की वेस्टेज भी नहीं होती। फिर इसे ऑफ़ कर देते हैं तो कुछ इस तरह ऑफ़ भी हो जाता है और हीटर को वायरिंग दी जाती है हैवी वाली, क्योंकि 3000 वॉट के आसपास का गीजर होता है। और गर्म पानी के लिए हमें हॉट की तरफ नॉक को प्रेस करना होता है कुछ इस तरह। और देखिए, शायद आप देख पा रहे हो डिस्प्ले जल गई है, 18 डिग्री टेम्परेचर है, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है पानी का। अभी धीरे धीरे करके बढ़ेगा, हम थोड़ा और बढ़ाते हैं, फिर 19 हो गया, 20 हो गया, इस तरह इंक्रीज करता रहेगा। और पानी देखिए हल्का हल्का गर्म आना शुरू हो चुका है, अभी शायद आप भाप भी देख सकें पानी के साथ, और बिल्कुल बहुत गर्म पानी आने लगा है। अगर आपको जल्दी गर्म चाहिए पानी के साथ तो आपको कम पानी खोलना पड़ेगा, और अगर आपको इतने पर ही स्टेबल कर लेना है पानी की गर्माहट को तो आप इसे फुल कर दीजिए, जिससे पानी तेज़ हो जाएगा और लगभग टेम्परेचर स्टेबल होने लगेंगे। देखिए, शायद आप भाप भी देख पा रहे हो करीब से, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है किचन के लिए। इनको नॉर्मली किचन में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है, टंकी के पानी रहते हैं, सर्दी वगैरह में बर्तन धोने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब मेरा शायद हाथ भी जल रहा है, इतना गर्म पानी आने लगा है, देख पा रहे हो शायद आप लोग भाप, मेरे हाथों से भी भाप निकल रही है। बिल्कुल, ये टेम्परेचर 68 तक बढ़ता रहता है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है किचन के लिए। आप लोग देख सकते हैं शायद भाप उठते हुए, करीब 1500 से 2000 के आसपास का अमेज़ॉन पे मिलता है इंस्टेंट गीजर। अगर आपके पास वॉल माउंटेड नहीं आ पाता, स्टैंड वाला आता है, तो आप इसे एक मेल फीमेल एल्बो ला सकते हैं, हार्डवेयर शॉप से नॉर्मल 100 रुपये के आसपास का आता है। हमने वही ख़रीद के लगाया, उसके बाद इसको ज्वाइंट किया है, वायरिंग अलग से दे दी गई है। पावर सॉकेट से लगाइएगा कृपया, क्योंकि 3000 वॉट का है तो इससे यूज़ में भी आसान होता है। यह एंगल कॉक इसका काफ़ी बड़ा सा कॉक दिया गया है, जिससे बर्तन की धोने में भी आसानी होती है और इसकी ऊंचाई भी बढ़ जाती है। आगे फिल्टर दिया हुआ है, नोजल कुछ इस तरह का होता है इसका, और बिल्कुल लो वाटर को यूज़ करता है। ठीक है, ये अच्छा प्रोडक्ट है किचन के लिए। धन्यवाद।